मुस्लिम नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि बानी पीटीआई का मुस्बत यूटर्न है जिसका अच्छा जवाब आना चाहिए। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो बानी पीटीआई से क्यों नहीं। मुशाहिद हुसैन सेंसिबल पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए इसकी बात पे कान ना धरो। पाकिस्तान में जलजला आ जाएगा। मुशाहिद हुसैन जैसे एक मतवाजन निस्बतन बेहतर, कोई आज तक उसका माली स्कैंडल नहीं, दो चार को जिंदगी में बंगियाँ मारी हैं। एम्बिशियस आदमी होता है, नॉर्मली इंसान एम्बिशियस होता है, मैं कर लूँगा नून लीग मतलब ये छोड़ो बटल, अदरवाइज ओवरऑल देखो पढ़ा लिखा आदमी, बाकायदार आदमी, कोई माली स्कैंडल नहीं। इस तरह के बंदे से बचो, किसी सियाने की बात नहीं सुनना, अदरवाइज ये बंदा फिर सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अगर सिंध के डाकुओं को कई साल पहले आम माफी को उनसे माफीनामे साइन कराए थे, बस करो यार आइंदा जरा अच्छा बलोच अलहदगी पसंदों से मुज़ाकरात कम ही धैर्य में साइन अच्छा दूसरी जंग अजीम के बाद जापानीज के साथ भी जाहिर है फिर जो तगड़ा होता है वो ज़रा उसकी टर्म्स और होती हैं, बट क्या हुआ पूरी दुनिया से वाइप आउट ही कर दी ऑटोमोबाइल अमेरिकन की उन्हीं जापानियों ने, क्यों? चूंकि वो शोधे नहीं थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद उन्होंने कोई छोटी हम गेंगे चपड़ गनाती है नहीं थे। उनके फौजियों ने कहा आखिरी बंदे तक लड़ेंगे, चूंकि जापानीज की दलेरी मिसाली है, मिसाली उनके कल्चर का हिस्सा है कि अहानत पे खुद को वो हरा के रही है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको मुझे। तो बादशाह ने कहा नहीं बंद, हुक्म पता क्या था, वी हैव लॉस्ट द बैटल, ये जर्फ चाहिए कौमों में, कमीनों की तरह ये नहीं चितर खा के भी कहना वही बात भाई अंदर की गल है मैं बड़ा कुटिया, ये भाई छोड़ो क्या सरेआम तस्लीम किया गया, वी हैव लॉस्ट द बैटल, हम जंग हार गए, नाउ थ्रो द वेपन्स, थ्रो द आर्म्स, सॉरी थ्रो द आर्म्स, पिक अप द टूल्स। एक जुमले में पता थी, उसने कहा हथियार फेंक दो औजार उठा लो, इस दुनिया को नथ डाल देंगे औजारों के, साइंस के टेक्नोलॉजी के मेहनत के बलबूते पे। तो वरने को ये लेकिन बहरहाल अपने अपने अकल समझ फहम की बात होती है ये चुके सने। सर दूसरी तरफ साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने दावा किया है कि जल्द पार्लियामेंट में हुकूमत तब्दील होते देख रहा हूँ। देखो इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद अली दुरानी मोस्टली जो मैं हमेशा कहता हूँ एक्सेप्शंस होती हैं पॉलिटिक्स में, वो बहुत संजीदा बहुत पढ़ा लिखा मैच्योर और मतीन बैलेंस्ड मतवाजन आदमी है, वो इस तरह के बयानात बराए बयान देने वाला बंदा नहीं है। और वैसे भी ये हुकूमत क्या है, ये इट इज़ एन अरेंजमेंट, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट, सारे जानते हैं, मेरे जायल को भी पता है। तो वो दुरानी साहब ने जो बात की है ना तोल के की होगी, मैंने क्या तबसरा करना है, दुनिया कर रही है और इनका हर दिन हुकूमत में इनके लिए अजाब बन रहा है, ये याद रखना। दलदल में गर्क होने का प्रोसेस मुकम्मल तौर, मैंने कहा ना कि नून लीग अब आफ्टरनून लीग है, जिसके बाद गुड नाइट है, उसके बाद जाओ बार बथेरा कुछ है मौज करो। ठीक है ऐसा साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पिंडी धरने से खिताब करते कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम पेट्रोल बम बर्दाश्त करें और वुजरा मौज, वजीर आजम 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियाँ और मुफ्त पेट्रोल पर पाबंदी का ऐलान करें। वो करते रहे इस तरह के तकादे मुतालबे, वो माड़ा आदमी है, मंगी जाता मंचा मांगता है को 5 रुपए दे देता, पर ठीक है क्या करेंगे, ये इस तरह नहीं होता, ना होना है ना अब तक हुआ है, ये करते रहते हैं इहतजाज बेचारे, अच्छे भले लोग हैं और क्या है, लेकिन ये इस मुल्क में अब किसी को पता नहीं क्यों समझ नहीं आती यार, या तो को बड़ा मार्फत का कलाम मैं बोलता हूँ या को बड़ी पाँव को बड़ी पहुँची भी बहुत कुछ भी नहीं है, अभी टके टोकरी हरे को पता है। अब साइकिल की पाकिस्तान नामी जो साइकिल है ना, इसकी ट्यूब को मजीद पंक्चर नहीं लग सकते, ट्यूब बदलो। पाकिस्तान एक टूटी फूटी साइकिल है, इसके जो पहिए हैं ना जितने भी हैं
उनकी ट्यूबें गल सड़ गई हैं और ये पंक्चर पे पंक्चर लगा रहे हैं। अब पंक्चर की गुंजाइश नहीं है, ट्यूबें बदलो, इनसे मुफ्त गाड़ियाँ, बिजली है, वो ड्राइवर, खनसामे, नौकर चक्कर, इनका बंद करो भाई, काम करना है। तुमने आना है ना शौक असम्बली आने का, कानून साजी, वही जिसको तो स्पेलिंग नहीं आते होंगे इनमें से बेशतर को, पूरा पूरा साल बोलता कोई नहीं, कौन कहनी कानून साजी, ये तो जुफ्त साजी नहीं कर सकते, ये जूता नहीं बना सकते, ये तो कमीज नहीं सी सकते, ये तो खाना नहीं बना सकते, कानून क्या बनाना है इन्होंने। पाकिस्तान में दर दर फिरोगे, तुम्हें MNA MPA का ना कोई टिकट का तलबगार नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हसन साहब, डिजिटल सेंसिस 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र का हर तीसरा बच्चा स्कूल से बाहर है। कुल बच्चों का 18% गजाई किल्लत का शिकार हैं। 2040 तक पाकिस्तान को 1.5 करोड़ घरों और 10.5 करोड़ नौकरियों की ज़रूरत होगी। क्या तबसरा करेंगे? कोई तबसरा नहीं करेंगे, इस पर क्या तबसरा करना। देखो पहली बात है, मुझे इसका एक तो बिल्कुल ही बकवास लगा है, कुल बच्चों का 18% गजाई किल्लत का शिकार है, क्या क्या फजूल बात है भाई, गजाई किल्लत का, किल्लत को लत को मारो गोली, यह तो मेरा ख्याल 70% से ज्यादा बच्चे होंगे, और तुम्हारा तो दूध ही खालस कोई नहीं। ये जो दो तीन को ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, वो तो मिडिल क्लास का बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे बताओ, मिलावट ज्यादा, गंद का ढेर, ये बहुत सारा है, तो किधर ये मेरी, इट डजंट मेक एनी सेंस कि 18% बच्चे गजाई किल्लत, बाकियों को ठीक मिल रही है गजा, सिर्फ किल्लत ही तो नहीं होती ना, कि पेट तो ठोंस दिया आपने बच्चे का, ठोंसा किस चीज से, गंद से, केमिकल ज्यादा, दूध से, मिलावट ज्यादा, आटे से, फलाने से, टमकाने से, तो पाता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है हर्ष साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 400 बेहतरीन यूनिवर्सिटी में कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी नहीं। साइंसी जरीदों में शाये होने वाली तहकीक में फ्रॉड का रुझान बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में जाली साइंसी पेपर्स की अशात में पाकिस्तानी रिसर्चर्स का दूसरा नंबर है। जाली साइंस पेपर्स की तो जालसाजी में होना है दूसरा, मैं हैरान हूँ पहला किसका है। अच्छा, फ्रॉड का रुझान जिंदगी के हर शोबे में फ्रॉड है, हर शोबे में फ्रॉड है, तो भाई वो साइंसी तहकीक में, देखो बात सुनो, इस वक्त देखना आप, अच्छा मुझे याद कराना, मैं भूल ना जाऊं, इस वक्त दोबारा कोई VC वगैरह का इंतखाब हो रहा है, मुझे पता है वारदात होनी है, कामयाब तरीन वाइस चांसलर पंजाब PhD डॉक्टर मुजाहिद कामरान, 2 बार VC रहा, एक्सेलेंट। और बात सुनो, जामियात की दर्जा बंदी का इन्हसार जो है ना, वो तहकीकाती काम पर होता है, तहकीकाती कामों के असल ड्राइवर होते हैं या सबब होते हैं PhD स्टूडेंट्स। 15-16 में जामे पंजाब में 1814 रजिस्टर्ड PhDs, उसका कुछ देर इन्होंने फल खाया, मुजाहिद कामरान अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाहिर है काबिल आदमी है, उनको जॉब शॉब की तो नहीं। अब इंतखाब होना है, भूलना नहीं, नोट कर लो, अगले VC का वारदातिया आएगा, नाम उस वक्त बताऊंगा जब आएगा, 99% चांस, 1%। ठीक, ये मरियम के लिए ये चैलेंज बड़ा दिलचस्प होगा, इसकी इंशाल्लाह फिर इसका इसकी सर्जरी करेंगे, इसका देखेंगे, ये होने दो। ठीक है ऐसा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़।